बरेली से बड़ी खबर है, जहां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की ओर से पर्चे बांटे गए हैं। मुस्लिमों से जेल भरे आंदोलन की अपील की गई है। हिंदू संगठनों में गुस्सा है और शिकायत भी की गई है। एक अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। तौकीर रजा समेत 30 लोगों को नोटिस भेजा गया है। तौकीर ने कल गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। तौकीर रजा आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अब हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है और इसीलिए मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई है। बड़ी खबर हम आपको ये इस वक्त बता रहे हैं। हिंदू संगठनों में गुस्सा, शिकायत की एक अज्ञात पर FIR दर्ज हुई है और तौकीर रजा समेत 30 लोग हैं जिन्हें नोटिस भी भेजा गया है। हालांकि कल तौकीर ने गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तौकीर रजा। मुस्लिमों से जेल भरो आंदोलन की अपील की गई है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की ओर से पर्चे बांटे गए हैं और मुस्लिमों से जेल भरो आंदोलन की जो अपील है वो की गई है। अजय और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अपडेट क्या है इस खबर को लेकर, बताइए जरा। आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी कि 9 फरवरी दिन शुक्रवार को जो है इस्लामी मैदान में जो एकत्र होंगे और गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को कड़कड़े में खड़ा करते हुए ये कहा था कि वो ज्ञानवापी मस्जिद सहित कई और मस्जिदें हैं जिनको जो है शहीद करने के लिए वो कर रहे हैं, और ऐसे करके उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, उसके सारे मीडिया में ब्रीफिंग दी थी कि वो जो है मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन करेंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार को ये कहा था कि को मतलब जो भी कार्रवाई है वो मुस्लिमों के हित में आई होती है, तो इसी को लेकर जो है इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल जो है पूरे शहर भर में जो जैसे मुसलमानों के क्षेत्र हैं उसमें पर्चे बांटे जा रहे हैं, और उसमें ये अपील की जा रही है कि वो लोग जो है शुक्रवार को जुमे के दिन जो है मतलब कल जो है इस्लामिया मैदान में पहुंचे और वहां पर जाकर गिरफ्तारी दें। तो ऐसे में जो है जब पर्चे बांटे जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने इस पर्चे का संज्ञान लिया था, और उसके साथ ही जो है उस पर्चे को बांटने वालों के खिलाफ जो है कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा जो है उसके INC इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं उनको उन लोगों को भी नोटिस जारी कराए। SPCB का राहुल भाटी का कहना है कि उनको नोटिस जारी किया गया कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की अगर बात उठाई जाएगी या उन पर कार्रवाई की वो कर रहा है तो उनसे सीधे सीधे कार्रवाई का दर्ज होता है। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की शांति व्यवस्था अगर कोई बिगाड़ता है तो उसको कार्रवाई के कटघरे में खड़ा कर जाएगा। तो ऐसे में तो वकील रजा का जो कल का ऐलान है कहीं ना कहीं फीका महसूस हो रहा है कि जिला प्रशासन ने कवर कर लिया, और उन्होंने कहा कि किसी भी उस मायने में जो है शहर की कानून व्यवस्था को किसी से खिलवाड़ करने का नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है अजय, और इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था जिसमें IMC के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे दो समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153A व 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।